आपकी नौवीं कक्षा का रहीम दोहे, रहीम के दोहे पाठ पढ़ने वाले हैं। रहीम के बारे में आपको पिछली कक्षा में सुनाई होगी, रहीम के दोहे, रहीम के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही होगी। रहीम जी क्या है, वहाँ पर नीति परक दोहे बोलने वाले, नीति परक रचना करने वाले, श्रृंगार के बारे में और क्या वहाँ पर नीति के बारे में, भक्ति के बारे में, प्रकृति के बारे में और लोगों के बारे में, लोक कल्याण के बारे में बताने वाले, दोहे लिखने वाले एक नीति परक कवि है रहीम जी। रहीम के बारे में आप बहुत सारे सुने होंगे कहानियाँ वो सब। अब रहीम का पूरा नाम तो आपको पता है, अब्दुल रहीम खान खाना है। अब इनका जन्म कब हुआ बोले तो 1536 में हुआ है इनका जन्म। और इनके नीति परक दोहे और इनकी भाषा कौन सी है, ब्रज और पंजाबी, यहाँ पर इनकी कई बच्चे लिखी है। रहीम का जन्म लाहौर में, लाहौर अब कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और उनका जन्म 1595 में हुआ है। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकारी थे। और इनको क्या, हिंदी ने अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अलग अलग प्रकार की भाषा की ज्ञान दी थी इनको। इनकी नीति पर उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छपा परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुग युगे दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अखबार के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्न में से एक है। आपको पता है ना, जो अकबर, राजा अकबर के बारे में सुना होगा, मधुर श्रवण सकते हो, वो अकबर के दरबार में कवि और नवरत्न जो नव कवि थे उनमें से प्रमुख कवि थे रहीम जी थे। उनके नवरत्नों में से एक कवि रहीम को बहुत प्रेम और सम्मान दिया जाता था उनके दरबार में। बोल रहे हैं रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति। इनके जो दोहे रहते हैं उनके प्रमुख भाव उसमें किसके बारे में बताया हुआ है, श्रृंगार और नीति और भक्ति के बारे में। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। ये लोकप्रिय कवि थे, लोगों के द्वारा बहुत प्रेम किए जाने वाला, वहाँ पर लोग इनके दोहों को बहुत महत्व देते थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। क्या जो साधारण सा व्यक्ति भी इनके दोहे पढ़ते थे उनको समझ में आता था, इतने अच्छे से दोहे लिखते थे। इनकी नीति पर दोहे ज़्यादा प्रचलित थे। इनके दैनिक जीवन में दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य माना गया है। रहीम का अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का समान अधिकार था। वहाँ पर बोल रहे रहीम की ब्रज और अवधी भाषा में दोनों में समान अधिकार था। इनको यहाँ पर नीति पर दोहे बोलने वाले थे, नीति के बारे में जानकारी दे थी और बोधगम्य बना दिया है। वहाँ पर बोधगम बोले पता है, बौद्ध धर्म के बारे में आपको पता है, जो बौद्ध धर्म में नीति के बारे में, जो लोगों के कल्याण के बारे में पता है, उनको भी उसी तरह से बोला। रहीम की प्रमुख कृतियाँ, कृतियाँ बोले तो उनकी रचना है। वहाँ पर देखिए बच्चों, रहीम सत्साई, श्रृंगार साहित्य और क्या मदनाष्टक, रस पंचाध्याय, रहीम रत्नावली, भरवई, भाषिका, भेद वर्णन, ये सभी कृतियाँ रहीम रत्नावली में शामिल है। इनकी पूरी जो रचना है इसमें समाहित है, रहीम ग्रंथावली नामक उनकी जो पूरे रचना है उसमें इसमें समाहित है रहीम ग्रंथावली में। प्रस्तुत पाठ में रहीम में नीति परक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसे बर्ताव करना, इस दोहे में क्या नीति के बारे में, इस पाठ में पूरे क्या नीति के बारे में दोहे दिए गए हैं। और दूसरों के साथ किस तरह से रहना, दूसरों के साथ किस तरह से बर्ताव करना और इनकी शिक्षा देंगे। वही मानव मात्र का कारणी और अकारणी आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और इन स्थितियों का सम्मान होते ही इनका याद आना लजीम है। जिनका इनका चित्रण है यहाँ पर बोल रहे हैं, जो इनके दोहे सुने थे और इनका एक बार दोहे पढ़ने से जो जनता याद रह जाता है, उनके दोहे इतने यादपूर्वक रहते हैं और एक बार पढ़ने से उनको कभी भी भूल नहीं सकते। कभी हमको समझ आया, इस पूरे पाठ में हम क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पर नीति के बारे में और किस प्रकार से बर्ताव करना, प्रेम के बारे में और लोगों के साथ किस प्रकार के व्यवहार करना, अपने दुख के बारे में, दूसरों के दुख किस तरह से बताना, दुख किस तरह से दूसरों के बारे में, इसमें पूरे मानव कल्याण के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हम आपको पहला दोहा पढ़ेंगे, रहीम के दोहे। दो लाइनों में वहाँ पर दो लाइनों में लिखा हुआ रहता है, दो
दो लाइनों में पूरा चंद्र में लिखा जाएगा और उसमें तेरह पद रहते हैं, दो ही में, दो ही दोहा माने दो पदों वाले। पहला दोहा सुनिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकारे, टूटे से फिर न मिले मिले कांट पर जाए। यहाँ पर रहीम के दोहा पहला दोहा में क्या लिखा है बोले तो रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम पर किस तरह से है धागे के समान है, प्रेम और धागा को चुना गया है, प्रेम धागे के समान है, धागा को एक बार घूम जाने से और किस प्रेम को जोड़ा जाता है नहीं, उसी तरह प्रेम किसी के ऊपर प्रेम या उसके ऊपर भरोसा एक बार टूट गया इसको फिर नहीं जुड़ा जाता, उसी तरह एक धागा अपना मन को धागे जैसा टूटा तो एक बार धागा टूट गया तो उसे नहीं जोड़ा जाता, उसको जोड़ने के प्रयत्न करने पर भी उसके ऊपर जो धागे में गांठ पड़ जाता है, उसी तरह एक बार प्रेम किसी के ऊपर प्रेम या किसी के ऊपर भरोसा टूट गया तो और फिर जोड़ा नहीं जाता, वो जुड़ गया तो उसमें दरार ही नहीं जाती, इसलिए कभी कहते हैं कि कभी भी दूसरों की भरोसा और दूसरों का प्रेम को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, उनका प्रेम कोमल रहता है, किसी का भी प्रेम या धागे के समान रहता है, इसलिए उसको तोड़ने की कोशिश कभी भी मत कीजिए, एक बार टूट गया है तो फिर जोड़ा नहीं जाता, जोड़ने पर भी वहाँ पर उसमें दरार पड़ जाती है, इस तरह से जब हम धागे को गांठ पावे तो उसमें गांठ किस तरह से पड़ता है उसी तरह से प्रेम में भी दरार आ जाते हैं, उतना भरोसा पहले कितना भरोसा था, पहले कितना प्रेम था, वो प्रेम फिर से नहीं मिलेगा दूसरों को बोलकर कभी इसके माध्यम से समझा रहे हैं। मिले गांठ पर जाए, गांठ बोले तो वहाँ पर उसके धागे को गांठ किस तरह से बांधे तो वहाँ पर गांठ किस तरह से पड़ता है, उसी तरह प्रेम में भी दरार पड़ जाते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकारे, बोले तो एक ही बार उस धागे को मत तोड़ो, इस तरह से प्रेम को भी एक ही बार किसी एक छोटा सा मुश्किल आने पर वहाँ पर उस प्रेम को मत तोड़ दीजिए बोलकर कभी समझा रहे हैं। टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाए, एक बार टूटे तो वो फिर से नहीं मिलती है, मिलने पर भी वहाँ पर उस प्रेम में उस धागे में दरार पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है बोलकर कभी इसका दोहे के माध्यम से समझा रहे। और दूसरा अध्याय देखिए, रहीमन निज मन की भी मन ही राखो गे, सुनी अटिलाए लोग सब बांटी ना लाम लोहे को। यहाँ पर कवि समझा रहे कि रहीमन निज मन की भीत, रहीम कहते हैं कि निज मन की जो अपने अंदर की भीत यानी वहाँ पर दुख या दर्द या भय कोई कुछ भी हो अपने अंदर की दर्द दुख को दूसरों से मत बांटो, किसलिए बोले दूसरों से मत बांटो, अब दूसरे से बोले तो आपका दुख कोई तो कम करता नहीं ना, किसका दुख उसका ही होता है, आप हमारा दुख दूसरों को बताए तो अरे उसको दुखी बोलकर हमारे ऊपर देखकर वो हंसने लगेगा और हमारा मजाक ही उड़ाएगा, लेकिन हमारे दर्द को हमारे दुख को कोई भी बांटने वाला नहीं है, इसलिए इकलाना बोले तो वहाँ पर क्या अभी आगे इकलाना मजाक उड़ाना दूसरों की मजाक उड़ाते हैं, अपने दुख को बोले तो अपना ही बेटा मजाक हो जाएगा लेकिन अपना दर्द बांटने वाला कोई भी नहीं रहेगा, इसलिए कभी भी अपना दुख या दर्द किसी से मत कहो, उससे कहने पर आप यहाँ पर जले के ऊपर मरना को छिड़कना बोलते हैं ना, जब हमारा दुख दूसरों को बोले तो वहाँ पर वो उसको दुखी बोलकर हमारे दुख को और बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी अपना दुख बांट नहीं लेता, इसलिए कभी कहते हैं कि कभी भी किसी से अपना दुख को मत बांटो, बांटने से हमको ही दुख मिलेगा लेकिन उस दूसरे वाला और अधिक खुश होगा और हमको दुखी पहुँचाएगा लेकिन अपना दुख को दर्द को कोई भी बांटने वाला नहीं रहेगा, इसलिए कभी भी किसी को अपना दुख या दर्द बांटो मत बोलकर अपना दुख को किसी को मत कहो बोलकर कभी समझा रहे। रहीमन निज मन की भीति मन ही राखोगे, सुन अटिलाए लोग सभी बांटी ना लोहे लोग लावे बोले तो लोग। तीसरा है ना, एक ही सादे सब सादे सब सादे सब जे रहीमन मुलाही सिंची वो फूले फले आते। वहाँ पर एक कवि बोल रहे तीसरे दोहे में, एक ही सादे सब सादे, एक ही सादे बोले तो एक एक लक्ष्य, सभी के जीवन में एक लक्ष्य रहता है बेटा, एक लक्ष्य रखे तो उस लक्ष्य के लक्ष्य के तक पहुँचाने के लिए बहुत कोशिश करते, लेकिन बहुत सारे लोग एक काम नहीं करते, एक कार्य करने के अलग बहुत सारे कार्य अपने अंदर में रख लेते हैं और एक कार्य को तक पहुँचाने के लिए अलग अलग कार्य वो सब करने के, यहाँ पर कभी क्या करने बोले तो एक कार्य जो प्रमुख कार्य एक मुख्य लक्ष्य होता है ना, जो मुख्य कार्य होता है वो कार्य पहले करो, वो कार्य आप पहले करें तो जो दूसरे कार्य छोटे मोटे कार्य रहते हैं वो उसके कार्य जो प्रमुख कार्य होता है वो कार्य होने से जुड़ना
कोशिश करो। बाद में क्या जो छोटे मोटे कार्य रहते हैं उसको हम ऐसे ही काम कर लेंगे, लेकिन प्रमुख जो है जो इम्पोर्टेंट कार्य उसको पहले पूर्ण करो, बोलकर कभी समझा रहे। इस यहाँ पर कभी उदाहरण के लिए जो वृक्ष होता है, जो वृक्ष का जड़ होता है ना, यहाँ पर वृक्ष का जड़ को हम वृक्ष को पूरा बढ़ाना है तो वृक्ष को पूरा पानी डालते, जस्ट जड़ों को पानी डाले तो भी वृक्ष पूरा बड़ा हो जाएगा और फूल फल देगा। उसी तरह कभी कहते हैं जो हम मुख्य कार्य है, जो हमारे जीवन में मुख्य लक्ष्य है, उसको पहला पूर्ण करो, करें तो बाद में दूसरे सभी कार्य हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी भी कहते हैं कि जो मुख्य कार्य है पहले संपन्न करो, बाद में जो मुख्य नहीं है उस कार्य को संपन्न कर लेंगे। उसी तरह जो पेड़ के माध्यम से समझा रहे, जो पेड़ के पत्तों को पानी डालने से कुछ भी नहीं होता, जो जड़ है वो जड़ों को पानी डालने से वहाँ पर पेड़ उगता है और पेड़ का पेड़ की मुख्यता प्राप्त होती है और पेड़ फूल फल देता है। बोलकर कभी जो भी हमारे जीवन में मुख्य कार्य है उसको पहले हम तुरंत कंप्लीट कर देना चाहिए, बाद में दूसरे कार्यों को देखना है। बोलकर कभी समझा रहे, एक ही सादे सब सादे, सब सादे सब से रहीमन मुलाई सूची को फूल फले। अच्छा तो वहाँ पर सूची बोले तो पेड़ों में पानी देना, वहाँ पर पेड़ों में पानी देना क्योंकि वहाँ पर पेड़ उगता है, बोलकर बहुत बड़ा होकर फूल फल देगा। इसी तरह हमारा मुख्य लक्ष्य कंप्लीट होने से बाकी के लक्ष्य भी पूरे पूर्ण हो जाए। बोलकर कभी समझा रहे, पोत को हम देखा चित्रकूट में रहीम राय रहीमन अवधि नरेश, जहाँ पर विपली पड़त के सो आवत यहाँ देश। वहाँ पर चित्रकूट, चित्रकूट बोले तो वहाँ पर एक सुंदर सा प्रदेश था चित्रकूट बोलकर। यहाँ पर पुराने जमाने में जहाँ पर रहीम राम रहीम कहते हैं कि राम के बारे में बता रहे, राम जी जब वनवास गए थे अयोध्या छोड़कर, अपना अयोध्या अपना राज्य पूरा छोड़कर वनवास गए थे, तो वनवास गए तो अपना दुख और शांति के लिए वहाँ पर चित्रकूट बोलकर एक शांत सा वातावरण था। वहाँ प्रकृति चित्रकूट में बहुत बड़ा सुंदर प्रकृति वर्णन था, इसलिए वहाँ पर राम जी वहाँ पर जाकर अपना दुख और शांति से रहकर वहाँ पर अपना पूरा वनवास वहीं पर बीता है और अपने दुख दर्द भूल लिए। इतना सुंदर सा प्रकृति था, उतना सुंदर सा सब वातावरण था। होकर रहीम समझा रहे, अब रहीम कहते हैं कि आप लोग बहुत सारे लोग उस चित्रकूट को किस लिए जा रहे, अपने मन की शांति के लिए, अपने दुखों को दर्दों को भूलने के लिए वहाँ पर चित्रकूट के प्रदेश में जाकर अपने मन को शांति कर रहे हैं। जिस तरह से राम ने अपने मन को शांति करने के लिए मन में जहाँ पर चित्रकूट स्थान में किस तरह से अपना वनवास बिताए, उस पवित्र स्थान पर हम जाकर थोड़ी देर बैठे तो उस प्रकृति सौंदर्य को देखे तो हमारा मन के अंदर रहे दुख सब भूल कर हम शांति से रह सकते हैं, हमारा दुख सब भूल जाएंगे। बोलकर कभी हमको समझा रहे, विपत्ति, विपद बोले तो क्या विपत्ति, सो आवत यहाँ है, वहाँ पर जब विपत्ति जहाँ कष्ट समय में यहाँ पर इस चित्रकूट पर इस प्रकृति सौंदर्य के प्रदेश में आकर अपना दुख दर्द सभी भूल जाते हैं। बोलकर कभी समझ, चित्रकूट में रहीम रहे रहीमन आवत नरेश, जहाँ पर विपत्ति पड़त है सो आवत यहाँ देश। पांच धीरक दोहा अरत के आकर तोड़े आदि, जो रहीमन नट कुंडली सीटी कूदी चली जाए। धीरक दोहा आवत थे, वहाँ पर कभी कह रहे हैं कि दोहा धीरक जो लंबा जो गहरा, दोहा दिखने को कैसा दिखता है, छोटा ही दिखता है लेकिन उसका अर्थ क्या है बड़ा रहता है। अब रहीम के दोहे देखेगा, दो लही है वहाँ पर दो रहीम के दोहे, लेकिन उसका उसमें अर्थ कितना सारा छुपा हुआ है, उसमें कितना गहरा अर्थ है। बोलकर कभी समझाए, आकर थोड़े आए वहाँ पर आकर बोले तो अक्षर, अक्षर उन छोटे छोटे अक्षरों में ही बड़ा सा अर्थ छुपा हुआ है। जो रहीम नट कुंडली सिमट कुंडी चली जाए, वहाँ पर कभी कह रहे हैं कि जो जादूगर रहते हैं ना, जो जादूगर छोटी सी डिब्बे में अपना पूरा शरीर को अंदर रखकर वहाँ पर छोड़ा बाहर निकलते, किस तरह से निकलते, उतना बड़ा उतना छोटे से डिब्बे में से इतना बड़ा शरीर को आप अंदर घुसा देते हैं और निकल देते हैं, किस तरह से वो जादूगर करता है, उसी तरह इनकी दोहे भी रहीम के दोहे भी छोटे रहते हैं, दो पदों में रहते हैं लेकिन उनके में बहुत सारा गहरा ये अर्थ छुपा रहता है, बहुत सारा नीति छुपा रहता है इनके दोहे में। बोलकर कभी समझा रहे हैं हमको, दोहे दिखने को छोटे दिखते हैं लेकिन उनमें गहरा जो मनुष्य के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ने वाली नीति रहती है। बोलकर कभी समझा रहे हैं, धीरक दोहे अरत के आकर थोड़े आई, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चली जाए। वहाँ पर जो अपनी छोटी से शरीर उतने छोटे से डिब्बे में से किस
किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, इसमें किस तरह से समा देते हैं जादूगर, उसी तरह दोहरों में इतने छोटे दोहरों में बहुत सारा नीति छुपा कर रखते हैं गणेश जी। उनके दोहरों में उतना बड़ा नीति रहता है छोटे अक्षरों में ही, जो महत्वपूर्ण अर्थ छुपा कर रहता है। लेकर बोल रहे हैं छिक्स डोहा देखिए बेटा, धनी रही जल पंख को लागो जी पिया पियत आग हो, अदधि बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जय। रहीम धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत आयु, उदित बगर बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जय। वहाँ पर बोल रहे कवि बोल रहे जो कीचड़, कीचड़ तो पता है आपको, कीचड़ में जो कमल का फूल के जो कीचड़ का पानी रहता है, जो कीचड़ का पानी थोड़े जंतु पीकर कोई भी जंतु पी सकता है, लेकिन जो समुंदर का पानी रहता है, जो समुंदर का पानी जो प्यासा व्यक्ति, प्यासा कोई भी व्यक्ति जाकर वो समुंदर का पानी पी सकता है, नहीं पी सकता। जो कीचड़ का गंदा पानी होने पर भी जो पशु पक्षी है, जो जंतु जीव जंतु है, उस पानी को पीकर तृप्त हो जाते हैं, लेकिन ये समुंदर का पानी इतना बड़ा बहुत समुंदर है, लेकिन वहाँ पर हम पानी जो लोग व्यक्ति प्यासा व्यक्ति वहाँ पर जाकर पानी पीने को सोचा तो वहाँ पर पानी पी सकते, वो खारा पानी पीने को ही नहीं जाता। यहाँ पर कभी हमको क्या समझाया बोले तो कीचड़ का पानी गंदा रहने पर भी वो पीने योग्य है, वहाँ पर वो पानी धनी है। यहाँ पर इतना बड़ा सा सागर है, महासागर है, लेकिन वहाँ पर उसके पास इतना सारा पानी है लेकिन वो पीना योग्य नहीं है। इसी तरह कभी समझा रहे कि जो धनी व्यक्ति उसके पास बहुत सारा संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन वो दूसरों के लिए परोपकार के लिए, दूसरों के दुख दूर करने के लिए वो अपना धन नहीं यूज करा, तो वो उसके पास कितना भी धन हो वो व्यक्ति है इस तरह से समुद्र की तरह, उसके पास इतना सारा पानी रहकर भी वो पानी पीने का योग्य नहीं है तो किस काम का पानी। उसी तरह धन इतना सारा रहकर भी दूसरों के दुख दूर करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए वो धन उपयोग नहीं करा, तो वो धन हमारे पास रहकर भी व्यर्थ है। जो किसी के गरीब के पास एक दो पैसा रहे तो भी दूसरों को दान करे तो वो धनी है, लेकिन जो दूसरों के पास उसके पास बहुत सारा रहकर भी दूसरों की भी मदद नहीं करा तो वो व्यर्थ है, मूर्ति के समान है। उसके पास धन रहे तो भी एक ये, नहीं रहे तो भी एक ये। जब हम दूसरों की मदद करने में सक्षम है, दूसरों की मदद कर पाते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक है, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जैसे समुद्र की जैसे जो कीचड़ का पानी दूसरे जीव जंतु पी सकते हैं लेकिन समुद्र का पानी हम लोग नहीं पी सकते, उसी तरह कीचड़ को जो पानी कीचड़ के पानी की तरह जो मनुष्य के रूप की तुलना जो संगीत सुनकर वहाँ पर अपना तन बोले तो क्या शरीर को भूल कर वहाँ पर अपना शरीर को सबको भूल कर उस संगीत में मग्न होकर संगीत में सारी दुनिया भूल कर किस तरह से उस संगीत को आवाहित करता है वहाँ पर, उस संगीत को सुनकर अपना सारा प्रकृति भूल जाता है और भूल कर अपने प्राण को त्याग करने के लिए हिरण तैयार हो जाता है। उस संगीत की ध्वनि उतनी सुंदर रहती है और किसी की कला वहाँ पर कभी होते हैं कि किसी की कला उतनी अच्छी कला, कौन सा भी कला होने, जो गाने की हो या करने की हो, कुछ भी कला होने, दूसरों की कला देखकर हम जब खुश होते हैं तब हम जब खुश होते हैं तो उसको लिए कुछ देना है, हम उस कला से प्रसन्न होकर कुछ बिना कुछ दे उसको प्रशंसा करिए, बिना उपाधि देना है तो उसको, कुछ काम देना है तो उसको, पैसे देना धन देना इस तरह से करें तो उस कला की हम प्रशंसा करें जैसा होता है। जब हम हिरण जो संगीत सुनकर अपने संगीत को सुनकर अपना शरीर तनाव हो जाता है और उसकी मृत्यु के लिए भी मृत्यु भी पा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रहते जो एक व्यक्ति की जो उनकी कला और उनकी प्रोत्साहन उनकी प्रशंसा नहीं कर पाते और उनकी प्रशंसा में कुछ भी नहीं देते, वैसे व्यक्ति है जो दूसरों की कला ना समझे, दूसरों की कला समझकर उसकी प्रशंसा नहीं करे, उसके लिए कुछ भाव और कुछ धन नहीं दे तो वो कला को आप जब गुरु का भी गुरु से भी बदतर होकर बोले उसका मतलब क्या है बोले तो जो पशु संगीत सुनकर उसका प्राण दूसरों का कला को समझ सकता है, जो तुम मनुष्य हो दूसरों की कला समझ कर भी उसको मदद नहीं कर पा रहे, उसकी प्रशंसा नहीं कर पा रहे, तो तुम रहकर भी पशु से भी
पशु पक्षी से भी निर्जल निर्जीव हो बोलकर हमें समझा रहे हैं। विचार पूछना है नदी निजल तन वेद लोग नर धन हेत समेत ते रहे पशु से अधिक विजय ही पूछना है बोल रहे हैं यहाँ पर। तो मनुष्य से भी पशु पक्षी से भी पशु पक्षी से भी नीचे जो दूसरों की कला को ना समझो दूसरों की कला के बारे में ना जानो तुम उसके किसी भी काम में कभी समझा दो आचा मोहन देगा। बिगड़ी बात बने नहीं लाभ करो के कोई रहीमन पटे दूध को माथे ना माखन बोल। बिगड़ी बात बने नहीं लाभ करो के कोई रहीमन पटे दूध को माथे ना माखन कभी समझा रहे हैं। बिगड़ी बात जो हमारे भी जो कोई भी बात हो बिगड़ जाती है जो किसी का दुख जो किसी से हम बात करते हैं तो किसी को दुख पहुंचाते हैं जो किसी का दुख दर्द या बिगड़ी बात किसी के साथ झगड़ा हो जाता है किसी के हम उसका भरोसा तोड़ देते हैं तो एक बार जो बात बिगड़ जाती है एक बार जो बात उसका नमक यहाँ तो उसका बात दूसरों की बात हमको नहीं देते तो रहीम फटे दूध को माथे जो दूसरों की भरोसा एक बार दूर गया तो हम लोग रहीम कहते हैं एक दूसरों की बात हमारे दोस्त के में कोई भी हो एक बार उसका भरोसा टूट गया तो फिर से जोड़ा नहीं जाता। किस तरह से एक बार दूध फट गया तो आप घर में दूध फट गए रहते जो घर निकाल कभी भी हो एक बार दूध फट गया तो उसको माथे से हम क्या करते मक्खन मक्खन करना हो तो उसे अच्छे दूध रहे तो ही अच्छा दूध लेकर हम मारने से उसमें से माखन निकलता है। अब आप फटा दूध लेकर उसको मारने से माखन निकल रहा है नहीं निकल रहा उसी तरह एक बार हमारे किसी का भी भरोसा हो किसी का भी प्रेम हो एक बार उसको टूट गया तो और एक बार उसका भरोसा टूट गया तो इसको कितना छोड़ने की प्रयास करने पर भी वहाँ पर नहीं होता उसका भरोसा हम पीछे नहीं पाते। उसी तरह एक बार दूध फट गया उसको फट गया तो उसको मारने पर भी हमको माखन नहीं मिलेगा बोलकर कभी समझा रहे बिगड़ी बात बने नहीं जो बिगड़ी हुई बात एक बार बिगड़ गई तो फिर से नहीं बनती। लाभ करो कि कोई तुम लाभ कोशिश करने पर भी तुम उस बात को नहीं जोड़ पाते होकर रहीमन फटे दूध को माथे ना माखन यहाँ पर रहीम जो कहते हैं जो फटा दूध को माथे पर भी माखन नहीं बन पाता होकर बोल रहे वहाँ पर नवा हुआ देखिए रहीमन देख बड़े ना कोई लगना धीरज भी जहाँ काम आवे सुही कहा करे पर कड़ी कहते रहीम देख बड़ा न हो रहीम कहते हैं कि जो बड़े को देखकर जो बड़ा व्यक्ति है जो उसके पास पैसा है सब कुछ है तुम्हारे पास एक गरीब व्यक्ति था तुम्हारे साथ ही था तुम्हारे साथ मिलजुल कर था एक के बाद एक बड़े व्यक्ति तुम्हारा दोस्त वगैरह बड़ा व्यक्ति से मिले तुम्हारे गरीब दोस्त या छोटा दोस्त जो तुम्हें है उसको छोड़ दिया उस तरह से कभी भी नहीं करना जो गरीब व्यक्ति भी होने पर भी उसके साथ रहना उसका सम्मान करना है बड़े व्यक्ति से मिलने पर तुम बड़े लोगों के साथ छोटा व्यक्ति को भूल जाना पड़े उस तरह से कभी भी नहीं करना। कभी एक उदाहरण दे रहे हैं कि सुई जहाँ पर सुई हम युद्ध में जाकर सुई से युद्ध कर सकते हैं नहीं वहाँ पर तलवार ही काम आता है युद्ध में तलवार का ही काम आता है युद्ध और तलवार से हम कपड़े सी सकते हैं क्या नहीं सुई से ही सी सकते हैं। इसका मतलब क्या है जो तलवार का महत्व युद्ध में है और सुई का महत्व कपड़े से जिसका जो छोटा होने पर भी उसका काम उसका ही है और जो बड़ा है तलवार होने पर भी उसका जिसका काम वहाँ पर किसी सभी का एक सम्मान होता है सभी का एक हक होता है जिसका काम वहाँ पर है वही सत्य है और जिसका काम वहाँ पर है वही काम आता है दूसरा काम नहीं आता है। जो अमीर है बोलकर जो बड़ा आदमी है बोलकर बड़े के साथ गरीब आदमी भी एक बार काम आता है बड़े आदमी भी एक बार काम आता है इसलिए बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा उनको नीचा नहीं देखना चाहिए उनकी दोस्ती या उनका सम्मान नहीं तोड़ना चाहिए कभी समझा रहीमन निज संपत्ति बिन को ना विपत्ति साय बिन पानी जो जलज को ही नहीं रावी चाह रहीमन निज संपत्ति बिन यही कहते हैं कि निज संपत्ति बोले तो क्या अपनी संपत्ति जो आप हम कष्ट कर रहे हैं अपना जो संपत्ति रहता है जो अपना संपत्ति रखते हैं को ना विपत्ति पाए जो कवि कहते हैं विपत्ति के समय जो दूसरा व्यक्ति देश जो संपत्ति है उसे हमारे काम आगे बोलकर समझे लेकिन जो कष्ट समय आते हैं हमारा संपत्ति जो हमारे पास जो है वही हमारे काम आता है दूसरा कोई काम नहीं आता दूसरे देशों भी जो दूसरे मदद करते हैं लेकिन जो दूसरे मदद करे से उनको कुछ भी
फायदा नहीं होता, कुछ भी बस नहीं होता। जो हमारे पास कष्ट करे सो पैसे जो संपत्ति है वही हमारे जीवन में काम आता है, हमारे जीवन में दुख और दर्द दूर करने के लिए वही संपत्ति हमारा मदद करता है। लेकिन दूसरे लिए जो संपत्ति कुछ भी काम नहीं होता, वो बस भी नहीं होता। इसलिए कवि कहते हैं कि जो निजी संपत्ति है, कभी भी हमारे पास जो संपत्ति है हम उसको रखना चाहिए, कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमारे पास थोड़ा सा थोड़ा इनकम रहना चाहिए और सेविंग्स करना चाहिए। कर कभी करें निजी संपत्ति जो हमारी संपत्ति है हमारे पास कष्टकाल में हमको मदद करती है। दूसरा संपत्ति दूसरे के लिए से संपत्ति हमको कोई भी मदद नहीं कर पाता, इसलिए हमारा संपत्ति सबसे बेहतर है। उनका कभी समझा रहे रही वाली निजी संपत्ति बिना को ना विपत्ति समय बिन पानी जो जलज को ना ही रवि सके। यहाँ पर कभी समझा रहे कमल के फूल से तुल रहे हैं, जो कमल का फूल है वहाँ पर पानी में रहता है, उसका उसके पास पानी सूर्य के किरण लग रहे सब लग रहे, लेकिन पानी नहीं रहे तो कमल का फूल खिलता है नहीं खिलता है। उसी तरह वहाँ पर कभी कहते हैं हमारा निज संपत्ति हमारे जो निज हमारी संपत्ति होती है हमारी संपत्ति हमको कष्ट काल में हमको आगे बढ़ने को देती है। जो सूर्य के किरण किस तरह से जो दूसरे व्यक्ति हमको सहायता करे जैसा वो सहायता करने पर भी हमारे पास जो निज संपत्ति रहे तो लेना हम जीवन प्राप्त कर सकते। उसी तरह कमल के पास पानी नहीं है, उसको पानी में पानी नहीं रहे तो वो कमल खिलता किस तरह की वजह से, किरण सूर्य किरण गिर रहे लेकिन पानी नहीं रहे तो वो कमल सूख जाता। उसी तरह हमारे पास हमारी निज संपत्ति रहना चाहिए। कवि संपत्ति रहीमन पानी राखी लेवंत लेवंत दोहा देखिए, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मनुष्य। वहाँ पर रहीम पानी रखिए, पहला पानी का वहाँ पर चमक बताया है, यहाँ पर पानी पानी बोलकर तीन प्रकार पानी होता है, लेकिन पानी का यहाँ पर अलग अलग भाव बताया। पानी यहाँ पर क्या चमक और पानी का सम्मान और पानी जल। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, वहाँ पर बोल रहे जो पानी में रहे तो ही मोती का चमक बढ़ता है। बिन पानी पानी के बिना मोती होता है नहीं होता है, यहाँ पर पानी से ही मोती होता है, मोती का चमक बढ़ता है। और क्या हम बोल रहे हैं कभी सम्मान पानी गए ना उभरे, हमारे पास सम्मान रहे तो भी हमारे जीवन में सम्मान और सुख दुख सम्मान सब कुछ रहे तो ही जीवन का सम्मान रहना चाहिए। बिना सम्मान हम जीवन व्यर्थ है बोलकर पानी से सम्मान के बारे में बता रहे हैं। मोती मनुष्य चूर वहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो आटा गूंदने के लिए हमको क्या चाहिए, पानी चाहिए। बिना पानी के तो हम आटा नहीं गूंद सकते, उसी तरह पानी का महत्व सभी है, इसलिए पानी का संचय करना चाहिए। सम्मान और हमारे जीवन में सम्मान और दूसरों से सम्मान प्राप्त करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं पानी, जो पानी का महत्व बहुत सारा है इसलिए पानी को संचय रखना चाहिए, पानी को सुरक्षित करना चाहिए और उसका व्यर्थ नहीं करना चाहिए। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मनुष्य छे। वहाँ पर बोल रहे हैं जो पानी के बिना आटा हम किस तरह से नहीं भूल पाते, उसी तरह जीवन में पानी के बिना कुछ भी नहीं है, सम्मान के बिना कुछ भी नहीं है। जिस दूसरे व्यक्ति तुमको सम्मान नहीं दिए तो तुम्हारा जीवन रहकर भी व्यर्थ है बोलकर कभी समझा रहे। इस पाठ द्वारा हम दोहे की नीति के बारे में समझ रहे हैं। एक बार इस दोहे को पढ़ लीजिए और घर में जाकर अच्छे से पढ़कर पाठ दोहों को याद